हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है परफेक्ट कैट सर्विस। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी पार्ट के ऊपर हम किसी इमेज को कैसे रेंडर करते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमने जो जिस मॉडल में हमें रेंडरिंग करनी है वो मॉडल बना लेंगे या फिर उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मॉडल ऑलरेडी बना रखा है और इसको मैंने ओपन कर लिया है। और यदि आप इस मॉडल को बनाने का मेथड जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक से आप वीडियो देखकर ये मॉडल बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें रेंडरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे, अपेरेंस में जाएंगे और यहाँ पर मोर अपेरेंस में जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, टेक्सचर, बम्प एंड डिकल। तो हम डिकल में जाएंगे एंड यहाँ से जो ऑफ है यहाँ पर इमेज सिलेक्ट करेंगे। देन ये जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक कर कर हम हमारी इमेज को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ये जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहाँ पर शो कर रहा है। हम यहाँ पर जहाँ पर भी हमारी इमेज सेव है ये यहाँ पर डिफॉल्ट लोकेशन शो कर रहा है। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी लोकेशन जहाँ पर हमारे इमेज या फिर टेक्सचर रखा हुआ है उस लोकेशन पर जाकर उसे कॉल कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फोल्डर में रख रखा है तो इसकी लोकेशन कॉपी कर लूँगा, देन यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, देन एंटर मारकर यहाँ पर मेरा जो PNG है वो मेरा लोगो है जो मैं यहाँ पर पार्ट के ऊपर रेंडर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। दैट्स इट, ये हमारा कुछ इस टाइप से आ गया है। अब हमें इसको क्लोज कर देंगे। दैट्स इट, और हमें जिस सरफेस पे देना है उस सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट, ओके। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अभी फुल बॉडी में आया है, हमें ये रिक्वायर नहीं है फुल बॉडी में, हमें यहाँ पर सिंगल चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए दो बार आ रहा है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए तो हम उसकी भी सेटिंग करना सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपेरेंस में जाएंगे, एडिट मॉडल अपेरेंस, देन यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट वाला बटन है उस पर क्लिक करके हम हमारी एडिट वाली सरफेस पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हम रेंडरिंग को एडिट कर दें। ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो गया है। देन अब इसकी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जो ये पैटर्न वाला ऑप्शन है इसको क्लोज कर देते हैं ताकि ये सिंगल टाइम आए। ओके, देन अब हम इसका एंगल सेट करेंगे, ये अभी उल्टा है तो इसको हम सेट कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये टाइप जो है ये पैरामेट्रिक्स पे है, बट जो शेप है वो हमारा स्फेरिकल है तो हम स्फेरिकल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। हम अकॉर्डिंग टू हमारे शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हट चुका है, पैटर्न भी हट गया है और सारी चीज़ें। अब हम इस इमेज को सही से यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहां पर एडजस्ट करने के लिए एक पॉइंट ये है, यहां से भी आप रोटेट कर सकते हैं और यहां पर रोटेट व्हील है इससे भी कर सकते हैं। और यहां पर एक्स पोजिशनिंग से ये एक्स डायरेक्शन में मतलब स्फेरिकल शेप में घूमेगा एंड Y पोजिशन में ये कुछ अप डाउन होगा, ठीक है। तो हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। और इसका थोड़ा सा हम साइज छोटा कर लेते हैं। ओके ओके, दैट्स इट। ये हमारा लोगो सही से फिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरा कलर है और यहाँ पे व्हाइटिश कलर आ रहा है, ग्रे कलर। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे उसके लिए हम बता देते हैं। पहले हम
हमने जो अपेरेंस दे रखा है ऑलरेडी, उसका हम कोडिंग देखेंगे कि उसमें क्या कोडिंग दे रखी है। कोडिंग इन द सेंस ये कलर जो होता है, यहाँ पर R, G और B की वैल्यू हम देखेंगे। ये वैल्यू हम यहाँ से सेम अपेरेंस वाले पोर्शन में डालेंगे। ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के लिए मैं यहाँ पर स्नैप में जाता हूँ, स्नैप को कॉल करता हूँ, देन ओके। ये हमारा स्नैप आ चुका है। यहाँ पर मैं इतनी स्क्रीन को कट कर लेता हूँ ताकि ये हम वैल्यू पुट कर सकें। देन मैं फिर हमारे रेंडरिंग वाले इमेज में जाऊँगा और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दूँगा, 114.5 एंटर, 201.2 एंटर एंड 205 एंटर, दैट्स इट। इसको भी मैं मिनिमाइज कर दूंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कलर मैच हो चुका है और ये काफी अच्छा दिख रहा है। और इस टाइप से हम किसी भी पार्ट के ऊपर हम किसी लोगो या पोस्टर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं या रेंडर कर सकते हैं। गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।